नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं चौथे पुस्तक करतार नगर में और हम आपसे बार बार ये अपील करेंगे कि इस खबर को सबसे ज़्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक, हर दोस्त तक, हर ग्रुप तक इसको आप पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर इस पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 3 से 4 दिन यानी 31 से लेके 3 फरवरी तक, 31 जनवरी से लेके 3 फरवरी तक आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप लोग जो हम आपको गाइडलाइन बता रहे हैं, जो तरीके बता रहे हैं, अगर उसका आप पालन नहीं करेंगे तो आपको घंटे घंटे जाम में फंसना पड़ेगा और हो सकता है आप अपने जॉब पे, अपने काम धंधे पे समय से ना पहुंच पाए। हम आपको बता रहे हैं कि अब ये जो पूरा पुस्ता रोड है, खासकर शास्त्री पार्क से खजूरी तक जाने और आने वाले इस सभी रूट पे आपको दिक्कत होने वाली है। अगर आप करावन नगर में रहते हैं, खजूरी में रहते हैं, भजनपुरा में रहते हैं, गोकलपुरी में रहते हैं, दयालपुर में रहते हैं, घोंडा में रहते हैं, उस्मानपुर में रहते हैं, करतार नगर में रहते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शास्त्री पार्क से लेके करावन नगर तक 3 से 4 दिन तक आप लोगों की आफत आने वाली है। इस पूरे रूट पे आप देखिए, ये जितने बैरिकेडिंग हैं यहाँ पे, ये रोड पे जो यहाँ अब जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है, जितने कट हैं ये सभी बंद कर दिए जाएंगे। कारण ये है कि यहाँ पे अब जो बागेश्वर धाम की कथा होने वाली है उसके चलते यहाँ पे सभी रूट जो कट हैं इस रूट पे वो बंद कर दिए जाएंगे। करीब करीब 90% सारे कट बंद होंगे। और ये देखिए, ये कथा स्थल है जहाँ कथा होने वाली है 1 से लेके 3 फरवरी तक। हालांकि 31 तारीख को यहाँ पे भव्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, मगर 1 से 3 तक यहाँ पे भयंकर भीड़ आने वाली है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब करीब 12 से 15 लाख लोग यहाँ पे आएंगे। और वो होता भी है कि जो भी पुलिस या प्रशासन व्यवस्था करता है वो चरमरा जाती है, क्योंकि जब जब बागेश्वर धाम की कथा या ऐसा कहीं भी उनकी जो दरबार लगता है तो वहाँ की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। और पब्लिक इतनी आती है, चाहे दिल्ली हो, NCR हो या आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहाँ से, चाहे हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, UP हो, ऐसे हर जगह से लोग यहाँ आते हैं। और 3 दिन यही हाल यहाँ होने वाला है। पुलिस की सूत्रों के हमें जो सूत्रों से खबर मिली है कि आने वाले समय में हो सकता है कि शास्त्री पार्क से लेकर खजूरी तक का यह रोड एक साइड से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाए और जो लोग पैदल यहाँ आएंगे उनके लिए रास्ता, उनके लिए ही इसको खोला जाएगा, वही इस पे आ जा सकते हैं। दूसरे रास्ते पे जो आप खजूरी से शास्त्री पार्क जाते हैं उस रास्ते पे ही हो सकता है कि आपको दोनों ट्रैफिक चलाने के लिए मजबूर होना पड़े। तो हम आपको कुछ रूट बताते हैं, आप लोग प्लीज़ इस खबर को शेयर करिए और जो हम आपको बता रहे हैं इसका पालन करिए, क्योंकि 3 दिन यहाँ भयंकर भीड़ होने वाली है। इतनी पब्लिक आएगी कि आप लोगों को यहाँ जाम का सामना करना पड़ेगा, घंटों घंटों आप लोग इस जाम में फंस सकते हैं। हालांकि प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे यहाँ पे वाक्या पेश ना आए और लोग ट्रैफिक जाम में ना फंसें, मगर यहाँ के ई रिक्शा, जो लोकल ऑटो चलते हैं, इनको भी हो सकता है परमिशन ना दी जाए अगले 3 दिनों तक। तो हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इन जाम से, इस भीड़ में फंसने से बच सकते हैं। अगर आप गोकलपुरी के आसपास रहते हैं, करावन नगर, गोकलपुरी, चांदबाग, दयालपुर, तो आप कोशिश करें कि आप सीलमपुर से रूट अपना बनाएं। आप वहां से गोकलपुरी, सीलमपुर होते हुए आप शास्त्री पार्क आके अपने रूट को आप कवर करें, वहां से आप अपने ऑफिसों पे जाएं। और अगर आप खजूरी, करावन नगर, सोनिया विहार, भजनपुरा इस एरिया में रहते हैं तो कोशिश करें कि आप बाहर से, बाहर भजनपुरे से आप सिग्नेचर ब्रिज से बाहर ही निकल जाएं। आप मजदूरगढ़ टीला होते हुए अपने जो भी ऑफिस है या अपने काम धंधे पे आप उस रूट को पकड़ें और उससे जाएं, ताकि आप इस जाम से बचें और यहाँ भी कम से कम जाम लगे। इसके अलावा जो उस्मानपुर के एरिया में लोग रहने वाले हैं, वो हो सके तो अपने लोकल एरिया की जो गलियाँ हैं, मोहल्ले के जो आपके रोड हैं, आप उनका यूज़ करें और वहाँ से शास्त्री पार्क निकले, क्योंकि यह रूट पूरा जाम होने वाला है। और हमने अक्सर जब खबर आपको दिखाई है तो वहाँ पे इतनी भीड़ होती है
कि वह पूरा रूट ही बंद करना पड़ता है। और अब यही समस्या इस पूरे जमुना पार में आने वाली है, क्योंकि शास्त्री बाग से लेके खजूरी करावन नगर तक यही हाल होने वाला है। और यहाँ जब लोग आएंगे तो वैसे भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का पहले ही काम चल रहा है, जिससे अक्सर आप देखते हैं कि क्रेन काम करती है, यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाता है, जगह जगह कटों पे जाम लग जाता है, यहाँ पे सड़कें बन रही होती हैं, नालियाँ बन रही होती हैं, इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। और अगर ऐसे में यहाँ पे बागेश्वर धाम जी की यहाँ कथा होती है, यहाँ पे वो आते हैं, यहाँ उनका मंच लगता है, यहाँ पे जब लोग आएंगे तो आप सोचिए कि यहाँ व्यवस्था कैसी होगी। प्रशासन करेगा अपनी कोशिश, ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश करेगी, MCD अपनी कोशिश करेगी, मगर जितनी पब्लिक वहाँ आती है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये सारे जो कट हैं ये बंद कर दिए जाएंगे, कुछ जरूरी कट ही खोले जाएंगे। साथ ही साथ इन रूटों पे भी हो सकता है कि एक ही रूट आने और जाने के लिए खोला जाए और एक रूट पब्लिक के लिए सिर्फ इस पे आने और जाने के लिए पैदल यात्रा के लिए इसको खोला जाए। तो आप, हमारी रिक्वेस्ट बार बार है कि इस रूट पे आप अगले 3 दिन तक कोशिश करें, क्योंकि 31 तारीख को भी यानी 31 जनवरी को भी यह भव्य शोभा यात्रा इसी रूट पर निकलनी है। इस गोंडा विधानसभा, सीलमपुर विधानसभा, मौजपुर वाले एरिया में, यमुना विहार वाले एरिया में इस पूरे रूट पे ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। और जब यहाँ पे कलश यात्रा निकलेगी तो भयंकर भीड़ होगी, लोग रोड पे होंगे और ट्रैफिक जाम तो होना ही है। मगर सबसे बड़ी बात, 1 तारीख 2 तारीख और 3 फरवरी यानी 1, 2, 3 फरवरी को इन रूटों पे आने से बचे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा, लोगों की आवाजाही रहेगी, जिससे आपको समस्या हो सकती है और आप अपने ऑफिस, अपने कार्यस्थल पर, अपनी जॉब पर समय से ना पहुंच पाए, घंटे घंटे आप इसी जाम में फंसे रहे। तो जो भी हमने आपको रूट सुझाए हैं कृपया उसका पालन करिए। प्रशासन भी अपनी कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे जो कार्य होने जा रहा है, जो यहाँ पे बागेश्वर धाम की कथा होने जा रही है, उसकी वजह से यहाँ ये समस्या आप सबको फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि 3 दिन यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हो, जिसके चलते आप लोगों को परेशानी होगी, क्षेत्र के लोगों को परेशानी होगी, मगर लोग इस कथा से खुश हैं और वो चाहते हैं ऐसे आयोजन हो। और कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको झेलनी भी पड़ेंगी, जब आप अच्छी चीज़ें आप आपके एरिया में होंगी, ऐसे कथा होंगे, ऐसे आयोजन होंगे, तो ट्रैफिक की समस्या और लोगों की आवाजाही को दिक्कत तो होगी। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस खबर को शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर पहुंचे और लोग अगले 3-4 दिन तक इस रूट पे आने से बचे और उनको पता हो कि यहाँ पे उनको क्या दिक्कत आने वाली है। NBHAR TV दिल्ली।